ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। आरसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की ओर से टुमरी में विकास का कार्य नहीं किया है। 20 वर्षों में जगन्नाथ महतो ने शिक्षा के क्षेत्र में टुमरी को काफी पीछे रखा है। टुमरी में शिक्षा की बदहाल स्थिति को आप भी आकर देख सकते हैं। इसके साथ ही जामो चुनाव में गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। आज ये चुनाव निश्चित रूप से उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव कैंडिडेट के चुनाव नहीं रह गया। ये सरकार ने ये चुनाव को अपना चुनाव बना दिया है। सरकार को आपने वादे कर दिया और ये लड़ाई को इस रूप से कह सकते हैं, राजा और रंग का लड़ाई हो गया। एक तरफ राजा और एक तरफ रंग, यही लड़ाई है, इस चुनाव का यही कलर है। अब मजबूरी ये हो गई है कि जो राजा हवाई यात्रा करते थे, अब पगडंडी में पद यात्रा करेंगे, ये मजबूर कर दिया डुमरी की जनता ने, आपने ये कर दिया है। आज से बदला हुआ रूप दिखेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैंने उसी दिन कहा था आप सभी लोगों को कि वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा ये विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये विनोद बाबू की सोच का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये वो सोच रही है, ये विनोद बाबू को और उनकी सोच को तिलांजलि देने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनके विचारों को दफन करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा है। क्योंकि इसके चरित्र को थोड़ा नजदीक से देखने का मौका मिला है। पहले बड़े सभाओं में हम लोग जाते थे, कार्यक्रम करते थे, निकल जाते थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 साल के स्थापित शासन में मुझे लगा था जब मैं यहां चुनाव में जाऊंगा तो हो सके हमारे पूर्व मंत्री या उनके क्षेत्र में 20 साल तक काम करने का मुझे कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां आने के बाद मैंने देखा, मैं जब उत्तराखंड दौरा कर रहा था तो उत्तराखंड के लोग और जब पंचायत घूम रहा था उत्तराखंड के लोग खड़ा होकर, रात में लाइट नहीं था लेकिन खड़ा होकर मुझे सामने गांव वाले आए, जहां मुझे सभा करने की अनुमति समाप्त हो गई थी, लेकिन मैंने देखा कि गांव वाले आए और बोले एक ही चीज चाहिए सुरेश बाबू कि 15 किलोमीटर हाईस्कूल के लिए हमारे बच्चों को जाना पड़ता है, एक हाईस्कूल जरूर दे दीजिएगा, हम सभी आपके साथ है, यही मांग कर रहे हैं। बताइए बढ़िया, ये हालत है, ये हालत है शिक्षा मंत्री के क्षेत्रों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 20 साल के शासन का। ये अच्छा होता कि 20 साल का कार्ड लेकर यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता घर घर जाते कि 20 साल का जनादेश आपने दिया और 20 साल में मैंने आपको ये दिया है, इसलिए मुझे वोट मांगने का अधिकार है। ऐसा करते तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के साथ और जनता के साथ न्याय किए, लेकिन ऐसा नहीं है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना चरित्र बदल दिया है, झारखंड मुक्ति के लिए बना हुआ वो विचार तो खत्म कर दिया, चरित्र भी बदल दिया है। चरित्र ये आ गया है झारखंड को और पूरे झारखंड के लोग आके देख सकते हैं मुक्ति मोर्चा का चरित्र को। कल देवसरंगा ने मुझे बताया कि मुक्ति मोर्चा एमएन का अर्थ बदल दिया, मसल और मनी, झारखंड मसल मनी बन गया है। एम फोर हो गया मसल, माने ताकत का, और मनी पैसे का। झारखंड मुक्ति मोर्चा ताकत और पैसे के बन गया, इसके अर्थ को बदल दिया है और वो हर चौक में आपको दिखाई देगा। हर चौक में 17 साल 18 साल 20 साल 22 साल का नौजवान उनके विभाग का आनंद लेते हुए चौक में आपको दिखाई देगा और वो टसल कर रहा है, वो कोई विचार से लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि कोशिश कर रहा है कि जसोदा जी के आजसू एनडीए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हो रहे हैं, इनके पक्ष में लोग जो जुट रहे हैं, इनके लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे धमकाया जाए, ये काम चल रहा है। हर चौक में हर जगह पर 20-25 मोटरसाइकिल, एक भोजनालय बना दिया गया है और कुछ पानी पीने की भी व्यवस्था कर दी गई, और दृश्य वो दिख नहीं रहा है। ये नस्ल को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं, अपने एक वोट से राज्य का भविष्य तय कर देंगे। ये लड़ाई मात्र डुमरी के एक विधायक जिताने का नहीं, बल्कि ये 4 साल के कुशासन का, जिसने जनता को झूठ बोला, झूठ बोल के जिन्होंने वोट लिया, जिन्होंने कहा था यहाँ के बच्चों के लिए 5 लाख नौकरी हर साल देंगे,
कोई नौकरी मिला क्या हमारे बच्चा लोग को यहाँ पर? पढ़ा लिखा लोगों को कहीं मिला नौकरी? नहीं मिला। ये कहे कि यदि आप नहीं पढ़े, यदि आप मैं नौकरी नहीं दे पाया तो 5,000 और 7,000 रुपया आपको भत्ता देने का काम करेंगे महीना में, ये आपको मिल रहा है क्या? गृहणी घर के अंदर 72,000 रुपया हर साल भेजेंगे ताकि चूल्हा खर्चा आपको चल सके, ऐसा हो पाया क्या? 3 कमरे का आवास बन पाया क्या? 3 कमरे का आवास बना है क्या? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्तमान समय सरकार ने बहुत नुकसान किया है, इन्होंने हमारे जनरेशन का नुकसान किया है। एक आध घर का नुकसान होता तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पीढ़ी बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है, बच्चों में गलत लग रहा है। जिनके हाथ में कलम और किताब होना चाहिए उसके हाथ में दारू का बोतल थमा रहे हैं, ये अच्छा आचरण नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। आइए इस सब के खिलाफ में हम सबको एकजुट होकर वोट करने की जरूरत है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।